बेंगा की भविष्यवाणी को सही माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 के अंत तक में कई देश मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या उनमें उत्तर कोरिया और चीन भी है शामिल? उत्तर कोरिया और चीन से आ रही है एक बड़ी खबर जो कि दोनों के लिए ही चिंता वाली बात है। वहीं जो रहस्यमयी बीज चीन से भेजे गए अमेरिका और अब कनाडा को, उसके बारे में चीन ने क्या कहा? चीन के नए नवेले बने दोस्त ईरान को निशाने पर ले लिया है अमेरिका ने। इजराइल के साथ मिलकर क्या करने वाला है कुछ बड़ा? वहीं नेपाल में राजनीतिक संकट अभी भी है बरकरार। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने चीन के नए नवेले बने दोस्त ईरान के ऊपर कार्रवाई करने की भी प्लानिंग कर दी है। आजकल ईरान अमेरिका को राहे बगाहे परेशान करने लगा है और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, या ये कहें अमेरिका को चुनौती देने के लिए, उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स का एक डुप्लीकेट बनाकर उसे उड़ा दिया। यानी ईरान अमेरिका से पंगे लेने की तैयारी कर रहा है या उकसाने की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने भी अब उसे शांत करने की पहल शुरू कर दी है और इस मामले में अमेरिका इजराइल के साथ आ गया है। वैसे आपको बता दें, इजराइल अगले महीने वैसे भी अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाला है। इस बीच अमेरिका के बड़े अफसर इजराइल पहुंच रहे हैं और दोनों में सघन मीटिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, इन मीटिंग में यह तय हो रहा है कि कैसे ईरान को संभाला जाए। अमेरिका अपना पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ चीन के ऊपर रखना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान को संभालने के लिए तैनात करना चाहता है। वैसे आपको बता दें, इनके बड़े अफसर की मीटिंग ईरान के नजर में भी खटक रही है और तुर्की के नजर में भी खटक रही है। इनकी अखबारों की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इसी तरह की हलचल चलती है तो ये बड़ा रूप ले लेगा और आने वाले समय में एक बड़े लड़ाई के रूप में सामने आ सकता है। भारत को राफेल मिलते ही अचानक से चीन ने अपने युद्ध पोतों पर किए बड़े बदलाव। क्या भारत के राफेल से इतना ज्यादा डर गया है चीन? आइए जानते हैं क्या बदलाव करा चीन ने। भारतीय वायुसेना को लंबे वक्त से एक मल्टी रोल फाइटर जेट का इंतजार था जो कि अब पूरा हो गया है। राफेल फाइटर जेट की पहली खेप भारत पहुंच गई है। फ्रांस से 5 राफेल विमान बुधवार को भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। भारत में राफेल की लैंडिंग से चीन इतना घबरा गया है कि उसने तुरंत युद्ध पोत पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को भी बढ़ा दिया है। फाइटर जेट्स की क्षमता बढ़ाने से अब चीन रात में भी हमला करने में सक्षम हो गया है। स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने 2 युद्ध पोतों पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा दिया है। चीन ने लड़ाकू विमान J-15 को अपग्रेड किया है। ये फाइटर जेट रात में रिफ्यूलिंग करने में सक्षम होते हैं। इसे बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी कहा जाता है क्योंकि J-15 फाइटर जेट दूसरे J-15 फाइटर जेट को आसमान में ही ईंधन देने में सक्षम होते हैं। इस क्षमता को विकसित करने के बाद अब चीन 24 घंटे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो गया है। वैसे आपको बता दें, चीन ने हाल ही में इस फाइट जेट में टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कुछ बदलाव भी किए हैं। इसके बाद ही चीन ने अपने युद्ध पोत लिया ओनिंग और सेंडोंग पर तैनात J-15 को अपग्रेड कर लिया है। वैसे भारत भी पीछे नहीं है। जहां राफेल की तैनाती कर रहा है तो वहीं हिंद सागर क्षेत्र में युद्ध पोत और पनडुब्बियों की बड़ी संख्या में तैनाती भी कर रहा है। चीन भी देशों को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका के बाद अब कनाडा को भी रहस्यमयी बीजों के पैकेट मिले हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये चीन से भेजे गए हैं। कनाडाई फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने कनाडा के लोगों को चेतावनी दे दी है कि इन बीजों का इस्तेमाल न करें। इन बीजों में कोई हमलावर नस्ल हो सकती है या ये खेती और प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अज्ञात मूल के बीजों को रोपे नहीं। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इन बीजों को लेता है वो फॉरेन रीजनल कार्यालयों को इस बात की खबर दे
और यह भी कहा गया है कि ये पैकेज तब तक अपने पास रखिए जब तक कि इंस्पेक्टर आपसे संपर्क ना करे। साथ ही आगे की टेस्टिंग के लिए उन सब लोगों से बीज इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनके पास ये बीज पहुंचे हैं। दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबी ने मंगलवार को रोजाना की न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि डाक सेवा बीज भेजने पर प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करती है। चीनी पोस्टल सर्विस की जांच के मुताबिक पैकेज के ऊपर लिखे गए सारे रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसने उन सभी को जांच के लिए चीन भेजने को कहा था। वैसे आपको बता दें, अमेरिकी राज्य जिनमें वाशिंगटन और अलावामा शामिल है, वहां पर ये पैकेट्स मिले हैं। उत्तर कोरिया और चीन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। उत्तर कोरिया और चीन के बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इन दोनों देशों को साफ करने की क्षमता रखता है। एक ऐसी घटना जो बैठे बिठाए इन दोनों देशों को मिट्टी में मिला देगी। आपको बता दें, चीन और उत्तर कोरिया के बॉर्डर में एक माउंटेन है, माउंटेन पिकटू। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि चीनी उत्तर कोरियाई सीमा पर चांगबई और बेगदुबन पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैसे कोरियाई लोग ज्वालामुखी और इसके केल्डेरा झील को आध्यात्मिक मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कोरिया के संस्कृति में इन पहाड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अब यही पहाड़ उनके लिए बहुत बड़ी संकट लेकर आने वाले हैं। 2002 में छोटे छोटे भूकंपों की वजह से यह ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया। 2005 तक तो शांत रहा, लेकिन 2013 में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया भूकंप प्रशासन का, उत्तर कोरिया सरकार को उत्तर कोरिया सरकार बेचैन हो गई। उत्तर कोरिया जो कि अपनी सूचनाएं और अपने आप को छिपा कर रखता है, वह मजबूर हो गया और वह अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मांगने लगा कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक इसकी जांच करें और इससे कैसे निपटा जा सकता है उसको बताएं। जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम वहां गई और जब उस वहां पहुंची तो उन्होंने भविष्य में किम और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के लिए बुरी खबर ही दी। उनका कहना था कि जो आंकड़े मिले हैं उससे यह पता चलता है कि माउंट पाटेकू कभी भी फट सकता है और यह काफी सक्रिय है, लेकिन कब और कैसे फटेगा इसके लिए अभी और अध्ययन करनी पड़ेगी। और यह विस्फोट इतना विनाशकारी होगा कि बहुत दूर तक उत्तर कोरिया और चीन को यह प्रभावित करेगा। साथ ही साथ यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों, वाणिज्यिक एयरलाइन यातायात जैसे चीजों को भी प्रभावित करेगा। वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया कि बहुत जल्द या भविष्य में इसका विस्फोट होना बिल्कुल तय है। खस्ता हाल उत्तर कोरिया, जो कि हथियार बनाने में जुटा है लेकिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो स्थिति को संभाल पाने में सक्षम तो होगा नहीं। ऐसे में आम जनता को होगी बहुत ही ज्यादा परेशानी। कहते हैं कुछ सजाएं प्रकृति भी देती है, लेकिन प्रकृति का ये मार उत्तर कोरिया और चीन के लिए बड़ा ही भयानक साबित हो सकता है।